Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. अच्छा तो ये aquarium वाले vlog का part 2 है basically. I think मैंने mention किया था उस vlog में. Actually मैं एक साथ ही इनका vlog बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि video बहुत लंबी हो जाती and ज़्यादा लंबी videos लोग prefer नहीं करते देखना, तो मैंने सोचा कि part 2 ही बना लेते हैं. तो एक्वेरियम विज़िट करने के बाद हम मैरीटाइम म्यूज़ियम गए थे. अगेन मैंने मेरे ख्याल से मेंशन किया था लास्ट व्लॉग में कि एक्वेरियम एंड म्यूज़ियम एक ही प्रेमिसेस पर हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक्वेरियम वाले टिकट पर म्यूज़ियम का भी टूर कर सकते हैं. अच्छा तो इस म्यूज़ियम का बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि ओल्डन डेज़ में जो ट्रेडिंग, फ़िशिंग और पर्ल डाइविंग की हिस्ट्री है, ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बहुत सारे रिलिक्स हैं. एंड एक एवरेज इंसान को ये चीज़ें बहुत बोरिंग लगेंगी, बट मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, सो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. यहाँ पर आपको पुराने ज़माने से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिलेंगी. आई मीन ऑफ कोर्स इट्स अ म्यूज़ियम, बट मोस्ट ऑफ ऑल आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूएई में लाइफ किस तरह से स्पेंड की जाती थी पहले, उनके फ़िशिंग मेथड्स क्या थे, वो किस तरह के फोक सॉन्ग सुनते थे एंड एट्सेट्रा. जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो रिलिक्स हैं जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग के ज़रिए आए थे. अपेरेंटली ये पॉट जो है वो बहरीन से इस रीजन में आया था, और ये आइवरी कॉम्ब है जो कि एलिफेंट टस्क से बना है, यानी हाथी के दांतों से, विच इज़ फैसिनेटिंग इन इटसेल्फ. और यहाँ पर ये फिक शेल है, आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, बट ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को फीड करवाने के लिए यूज़ किया जाता था. हम ऑफ़न ये सोचते हैं कि पुराने ज़माने के लोग सर्वाइव कैसे करते थे उन लग्जरीज़ के बिना जो हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी उन ज़मानों में भी जीनियस इन्वेंटर्स हुआ करते थे. और यहाँ फिर हम मेन गैलरी में आ गए. मेन गैलरी बोट्स और शिप्स से भरी हुई थी जो अपेरेंटली लोग पुराने ज़माने में फ़िशिंग, ट्रेडिंग और पर्ल डाइविंग के लिए यूज़ करते थे. और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर उन शिप्स के भी रेप्लिकास हैं जो बैटल्स और वॉर्स में यूज़ हुई थी. और फिर यहाँ पर हम ट्रेडिंग की तरफ आ गए थे कि उस दौर में किस तरह की ग्रेन्स की ट्रेडिंग होती थी और कौन से रूट्स यूज़ किए जाते थे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेन्स तो अवेलेबल थे नहीं, तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी ट्रेडिंग बाय रोड या बाय शिप्स पर डिपेंडेंट थी. As I mentioned earlier कि यहाँ पर बोट्स और शिप्स के रेप्लिकास बहुत हैं, और उसके अलावा यहाँ पर एक सी सॉन्ग चल रहा था म्यूज़ियम में, आई थिंक जिसे आप ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी कह सकते हैं, एंड वो इतना कैची सा था, आई थिंक नेक्स्ट फुटेज में आप सुन सकते हैं.
अलावा यहाँ पर बहुत रियलिस्टिक स्टैचूज भी बने हुए थे, मतलब इन अ वे वो हमें दिखाना चाह रहे थे कि लोग इस तरह से काम करते थे एंड ऑल। फिर यहाँ पर हमने एंकर्स भी देखे जो बोट्स के लिए यूज़ होते थे, और बहुत सारे टूल्स जैसे कि नेल्स, हैमर्स और सॉज, जो कि प्रेजेंट डे टूल्स से बहुत डिफरेंट थे ऑब्वियसली। बोट्स एंड शिप्स से बाहर आकर हमने फिर इन बोट्स और शिप्स के मास्टर्स के बारे में पढ़ा, जो अपेरेंटली इन पर्ल डाइविंग जैसे वोयाजेस के बॉस हुआ करते थे। अरबिक में उन्हें नुखादा कहते हैं अपेरेंटली, एंड वो टेक्निकली बोट का सारा स्टाफ कंट्रोल करते हैं, एंड जो पर्ल्स वो डिस्कवर करते हैं उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होती है। मतलब इन पर डिपेंड करता है कि वो ये पर्ल्स किन मर्चेंट्स को कितने पैसे में सेल करें। फिर यहाँ पर ओल्डन डेज़ की नेविगेशनल डिवाइसेस भी थीं जो लोग डायरेक्शन और टाइम बताने के लिए यूज़ करते थे। तो बस यहाँ पर हमने ये टूर ख़त्म कर दिया था। और भी बहुत सी चीज़ें थी यहाँ जो वर्थ शेयरिंग थी, बट एनीवेज आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेज शारजा गवर्नमेंट फॉर कीपिंग दिस म्यूजियम सो प्रेजेंटेबल। इवन म्यूज़ियम के बाहर भी सब कुछ इतना प्रेजेंटेबल था, तो हम लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे। हालांकि उस दिन थोड़ी गर्मी थी, बट नेवरदलेस इट वाज एन एंजॉयबल डे। यहाँ पर हमारा डे आउट ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। घर जाकर हमने क्विक स्नैक में कॉर्न डॉग्स बनाए, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कॉर्न डॉग्स की रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत फुलिंग भी है। तो सबसे पहले हम एक कप मैदा सिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हाफ टी स्पून ओरिगानो डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक अंडा ऐड कर लें और इसे साथ ही फिर से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर आराम आराम से दूध ऐड करें, इसे मिक्स करते रहें जब तक ये इसका बैटर स्मूथ नहीं हो जाता। Gradually add milk and whisk until your hand breaks. इस बार मेरी बहन ने थोड़े अजीब फनी से कैप्शंस डाले हैं। अभी इसका बैटर बनाना आपको मुश्किल लग रहा होगा, बहुत स्ट्रगलिंग सा लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली इसका बैटर पैनकेक बैटर से भी ज़्यादा ईजीली बन जाएगा। One eternity later. बैटर रेडी हो गया है। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बस समवेयर इन बिटवीन होना चाहिए। हमने सॉसेजेस पहले से ही बॉईल कर लिए थे, तो अब बस हम इन सॉसेजेस के अंदर स्क्यूअर्स लगाएंगे और इन्हें इस बैटर में अच्छी तरह से कोट कर देंगे।
कोटिंग करने के बाद हम ऑयल पहले से ही प्रीहीट कर लेंगे डीप फ्राइंग के लिए, और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। तो अब हम सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम घर में कॉर्न डॉग्स बना रहे थे तो हमें पता नहीं था कि किस तरह से बनेंगे। तो उस वजह से हमने सबसे पहले एक फ्राई करके देखा, वो सही बन गया था, तो फिर हमने रिमेनिंग भी बैटर में कोट करके फ्राई कर लिए। हमने पूरा एक पैकेट बनाया था सॉसेजेस का, जिसमें अराउंड आई थिंक 10 सॉसेजेस होते हैं, एंड सरप्राइजिंगली हमारा बैटर पूरा हो गया था। एंड एज आई सेड कि ये बहुत फिलिंग थे लेकिन बहुत टेस्टी भी थे, सो यू गाइस शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। और बस फिर आप अपनी फेवरेट सॉस के साथ इसे सर्व कर लें एंड एंजॉय करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट एन FYI कि ये सॉसेजेस चिकन के थे एंड कम्प्लीटली हलाल थे। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि हर तरह के सॉसेजेस हराम होते हैं, बट ये पूरी तरह से हलाल थे। एनीवेज, कॉर्न डॉग्स बनाते बनाते बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला और मगरिब हो गई। वैसे भी आजकल मगरिब काफ़ी जल्दी हो रही है, तो हम नमाज कुरान पढ़कर फारिग हुए और फिर मॉम ने मिनी डोनट्स बना लिए थे जो कि बहुत टेस्टी बने थे। अगर इन डोनट्स की रेसिपी आपको चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।